सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पद, मंत्रम गुरु वाक्य, गुरु प्रपाही चेतनं, गुरु प्रपाही चेतनं, गुरु प्रपाही चेतनं, गुरु प्रपाही चेतनं। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सर्वसमस्यामि ओम श्री गणेशाय नमः। दीपावली पर आए हुए सभी शिष्यों को, शिष्याओं को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और बहुत बहुत आशीर्वाद है। तुम्हारे पास पूर्ण लक्ष्मी आया है, धन धान से परिपूर्ण हो और अष्टलक्ष्मी आए तुम्हारे पास, आठों प्रकार की लक्ष्मियां तुम्हारे पास हो, ऐसा ही एक माता गुरु माँ का आशीर्वाद है आपको। और दीपावली है, आज हम सब लोग लक्ष्मी के पूजन करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जीवन का श्रृंगार है। लक्ष्मी के बिना जीवन अधूरा है, जीवन का संगम है। और सभी ने लक्ष्मी की साधनाएं की है, शिव ने भी लक्ष्मी की साधना की है, विष्णु ने भी लक्ष्मी की साधना की है, वशिष्ठ ने भी लक्ष्मी की साधना की है और विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ की लक्ष्मी की साधना की है। वशिष्ठ ने अपने अलग स्रोत कहा है, अपने यजुर्वेद में वशिष्ठ ने कहा है कि उन्होंने उनके बहुत सारे स्रोत हैं, उनका मतलब है कि हे लक्ष्मी माता, मैं गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, निर्धन हूँ, आप मेरे घर में, मेरे आश्रम में विराजमान हो। और उन्होंने लक्ष्मी की आरती की, हमारे पूर्वजों ने लक्ष्मी की आरती की और खूब घी के दिए जलाए। पर विश्वामित्र ने लक्ष्मी की आरती नहीं की, उन्होंने कहा लक्ष्मी, क्योंकि विश्वामित्र जितना दरिद्र व्यक्ति कोई था ही नहीं, विश्वामित्र इतने दरिद्र है कि खाने को रोटी नहीं थी विश्वामित्र के पास, बहुत गरीब थे। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी निर्धनता को दूर करने कुत्ते का मांस तक खाया, इतनी गरीबी थी विश्वामित्र के। और उनके तो धनवान कोई नहीं, उन्होंने लक्ष्मी को आबद्ध किया था। उन्होंने कहा लक्ष्मी, मैं तुझे अष्ट लक्ष्मी के रूप में अपने आश्रम में आबद्ध करूंगा, क्योंकि मुझे उस काल का ज्ञान और क्षण का ज्ञान है और लक्ष्मी तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। विश्वामित्र ने लिया थी जब वो राखी बांधो अपने सूत्रों के द्वारा, और उन्होंने कहा मुझे उस काल का और क्षण का ज्ञान है जिस क्षण में तू आबद्ध होती है, और उस क्षण में उन्होंने कहा लक्ष्मी की साधना करने से लक्ष्मी आबद्ध होती, लक्ष्मी आती ही है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी आरती नहीं उतारूंगा, मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हारा स्वागत करूंगा, तुम्हारा आदर करूंगा, पर मैं तुम्हें आबद्ध करूंगा कि तुम्हें मेरे आश्रम में स्थापित होना ही पड़ेगा। और फिर विश्वामित्र जैसा धनवान ऋषि अब तक हुआ ही नहीं, उन्होंने अपने आश्रम में लक्ष्मी को स्थापित किया। तो लक्ष्मी किस मुहूर्त में, हमारे पूर्वजों ने भी बहुत घी के दिए जलाए, बहुत लक्ष्मी की आरती गाए, पर सद्गुरुदेव ने भी यही सिखाया कि किस क्षण में लक्ष्मी की साधना करना चाहिए, किस क्षण विशेष में लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए और किस क्षण विशेष में हमको लक्ष्मी को आबद्ध करना चाहिए जिससे अष्ट लक्ष्मी हमारे पास आए। अकेला धन ही नहीं आए हमारे पास, धन आए तो अष्ट लक्ष्मी का मतलब धन्य धान्य, यश, प्रसिद्धि, कीर्ति, साथ में यश भी आए, कीर्ति भी आए, संतान भी हो। ऐसा नहीं कि खूब घर में पचास लाख रुपए हो संतान नहीं है, संतान भी हो, सुख हो, सौभाग्य हो और स्वास्थ्य हो। अच्छा स्वास्थ्य क्यों पता चला, लक्ष्मी घर में है पर आपको डायबिटीज हो गई, आप मिठाई नहीं खा सकते, नौकर मिठाई खा रहे हैं घर में, अब डेवलप करके पर नहीं सो सकते हैं आप, क्योंकि आपको स्पॉटलाइट से आप गद्दे पर नहीं सो सकते। तो लक्ष्मी आए तो अष्ट लक्ष्मी आए, पूर्णता के साथ आए, संपूर्णता के साथ आए और अष्ट लक्ष्मी हमारे घर में स्थापित है और हमारे पास यश भी हो, धन भी हो और आयु हो, आरोग्य हो, ऐश्वर्य हो, और ऐसा ही आपको आशीर्वाद देती है कि आपके जीवन में लक्ष्मी पूर्णता के साथ आए। और आज दीपावली का दिन है, दो मुहूर्त है लक्ष्मी का मन जाप करने के, मैं मंत्र भी दे देती हूँ आपको। बोलो ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अष्ट लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप 12:04 में सेहन लग्न है
और 1:35 तक आप साधना संपन्न कर सकते हैं। 6 बजे से भी अमृत का समय है, तब आप समझ कर जाप कर सकते हैं। आपका आज का पूरा ही दिन जो है, क्योंकि आज 4 तारीख है, गुरुवार का दिन है, और आज के दिन से ही एक परिवर्तन शुरू हो गया है। लोग धीरे धीरे स्वस्थ होते जाएंगे, डेंगू चला जाएगा, बीमारी चल जाएगी, कोरोना चल जाएगा। आज के बाद से ही लोगों का भाग्योदय, साधक का भाग्योदय शुरू हो जाएगा, और मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देती हूँ। दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगी, क्या दीपावली का दिन है, मैं साधकों को एक यही संदेश दूंगी कि एक नए साधक का, एक नए मनुष्य का निर्माण हो। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे रिश्तेदार भी आते हैं, कहते हैं हम रात में खाना नहीं खाते, हम छना पानी पीते हैं, हम आलू नहीं खाते, हम अहिंसक हैं, हम लोग अहिंसक हैं। अगर अहिंसा इतनी सस्ती होती तब तो नए समाज का निर्माण हो गया होता, तब तो नए मनुष्य का निर्माण सस्ता हो गया होता। अहिंसा इतनी सस्ती नहीं है, अहिंसा हिंसा के विरोध में नहीं है, हिंसा का ना होना ही अहिंसक है। अगर आपके अंदर से हिंसा खत्म हो गई तो आप अहिंसक हो गए, और जिस दिन अहिंसा के फूल आपके अंदर खिलेंगे तो फिर आपको किसी आदर्श की जरूरत नहीं है। नए मनुष्य के विकास में, निर्माण में आदर्श और गंभीरता ही दो रुकावटें हैं। हमारे तथाकथित आदर्श और नए मनुष्य का निर्माण एक छलांग है, एक फूल में से छलांग लगा देना, नए समाज का निर्माण एक छलांग लगा देना है। किसी भी साधक में, किसी भी मनुष्य में क्रमिक विकास नहीं हो सकता। आप सोचिए धीरे धीरे आप में परिवर्तन आएगा, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे परिवर्तन, लोगों ने कोशिश करते हैं कि हम धीरे धीरे परिवर्तित हों। वो रंग रोपण कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं लोग, पर वो नए मनुष्य का निर्माण नहीं है। 10,000 साल से हम वही के वही है, 10,000 साल से मनुष्य उन्हीं का वही है। सड़कें बदल गई, मकान बदल गए, लोग बदल गए, पर लोग नहीं बदले। आपके कपड़े बदल गए, आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, आपके खाने का तरीका बदल गया, आपके बड़े बड़े मकान हो गए, आपकी सड़कें बदल गई हैं, पर मनुष्य वही का वही है, नए मनुष्य का निर्माण नहीं हो पाया, क्योंकि हमें छलांग लगाना नहीं आया। क्रमिक विकास से कभी किसी का, क्योंकि नए व्यक्ति मनुष्य का निर्माण जस्ट इज जंप। आपको एक छलांग लगाना आना चाहिए, जिसको छलांग लगाना आता है उसके हाथ में हीरे मोती होते हैं। क्रमिक विकास नहीं होता। लोग कहते हैं हमारे अंदर ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि उनका सभी करते हैं, सभी ऋषि मुनि कहते हैं, आप भी सुनते हैं, हमारे अंदर ब्रह्म बैठा हुआ है, हमारे अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, आप समझते हैं ऐसा। पर मैं कहूंगी सबके अंदर एक नर्क बैठा हुआ है, पूरा का पूरा नर्क है अंदर। और जब तक आपको छलांग लगाना नहीं आएगी, एक नया मनुष्य का निर्माण नहीं होगा आपके अंदर, जिस दिन आपको छलांग लगाना आ जाएगी उस दिन आपके अंदर से ब्रह्म निकलेगा, उस दिन आप मुक्त तक पहुंचेंगे, उस दिन आप सत्य तक पहुंचेंगे, उस दिन आप आनंदित होंगे, आप आनंद तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपको छलांग लगाना आ गया है। और जब तक आपको छलांग लगाना नहीं आएगा, जस्ट जम, आप वहीं के वहीं रहेंगे। आप रंग रोपण कर लेंगे अपने आप में, पर आप मॉडिफाई कर लेंगे, पर एक नए समाज का निर्माण नहीं हुआ, ना एक नए मनुष्य का निर्माण होगा। बुद्ध आए, महावीर आए, कृष्ण आए, जीसस आए, हमारे बहुत सारे महापुरुष लोग आए, बहुत सारे अवतार आए, पर वो मनुष्य को नहीं बदल पाए। क्यों नहीं बदल पाए? क्योंकि एक हमारी संस्कृति के, हमारी तथाकथित, हमने कहा कि हमारे कुछ आदर्श हैं और हमारी गंभीरता, हमारे जितने महात्मा कहते हैं तू भी सीरियस रहो, सत्य को पाने के लिए सीरियस रहो, गंभीरता, गंभीर हो जाओ, और हमारे आदर्श, ये दो चीजें हमें छलांग नहीं लगाने देती है। गंभीरता एक बीमारी है, गंभीरता एक रोग है। पर आप लोग देखिए, हमारे महात्मा है सारे गंभीर है। आपको अगर कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी बनाने वाले हैं, बड़े गंभीर होंगे, जिंदगी जटा वहां पर तो ज्यादा बड़े गुरु हैं। आपको साधारण लोग रहेंगे जो आपसे हंसते मुस्कुरा के बात करेंगे, आप सोचेंगे ये हंसे हैं, मुस्कुराए, नाच रहे हैं, पता इनके पास सिद्धियां है भी कि नहीं, क्या है, तो खुद ही हंसते मुस्कुराते लोग हैं। हंसता मुस्कुराता धर्म आपको अच्छा नहीं लगता, आप धर्म को भी सीरियस बनाना चाहते हैं, आप अध्यात्म को भी सीरियस बनाना चाहते हैं। आपने देखा है बच्चे इतने सुंदर क्यों लगते हैं? कोई बच्चा प्रूफ नहीं होता, और हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, प्रूफ होते जाते हैं, क्योंकि हम एक गंभीरता ओढ़ लेते हैं अपने अंदर से, गंभीरता की पहुंच है,
हमारे चेहरे पे आ जाती है और गंभीरता छाती पर पत्थर पीने के समान है। गंभीरता आपको मृत्यु को संदेश तो दे सकती है, आपको मौत के करीब तो दे सकती है, जिंदगी के टुकड़े अलग है, पर जिंदगी जस्ट ए प्ले, जीवन एक खेल है और हमने तो खेल को भी गंभीर बना दिया है। मैंने देखा क्रिकेट का मैच होता है तो लोग उसमें भी गंभीर हो जाते हैं, टीवी फोड़ देते हैं, लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, लोग आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, लोग खेल के प्रति भी सीरियस है, खेल को भी खेल की तरह नहीं लेते, तो जिंदगी को खेल की तरह क्या लेंगे। बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को अगर पत्थर मिल जाता है तो पत्थर से खेलने लगते हैं, टूटे टूटी मिल जाते हैं, जो मिल जाता है वो खेल खेलते हैं। इसलिए बच्चे इतने सुंदर है क्योंकि खेलना आ गया है, जीवन एक खेल है और जिसकी जीवन की जड़ें जितनी गंभीर होंगी, जितनी गहरी होंगी, उतने ही आपके जीवन में आनंद होगा, उतने ही आपके जीवन मस्ती होगी और उतने ही नए मनुष्य का निर्माण होगा, क्योंकि आपकी जीवन की जड़ें गहरी हैं, आप उतनी ही ज्यादा आनंदित होंगे। फिर मैं कहूंगी गंभीरता एक रोग है, धर्म भी हल्का फुल्का का नाश्ता हुआ होना चाहिए, धर्म को भी खिलखिलाता हुआ होना चाहिए, अध्यात्म को भी खिलखिलाता होना चाहिए। और मैं आपको यही आशीर्वाद देती हूँ दीपावली पर कि आप जम लगे, आपकी गरीबी से एकदम आप अमीरी में आए, जब तक आपको छलांग लगाना नहीं आएगी, जब तक आपको परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपका नाम भौतिक, मैं कितना भी आपको आशीर्वाद दे दूं, कितनी भी आपको भिक्षा दे दूं, सातों चक्र जागृत करके दे दूं, पर एक छलांग लगाना तो आपको भी आना पड़ेगा, आपको मेरे साथ छलांग लगानी पड़ेगी, तभी आपकी पूर्ण भौतिक उन्नति होगी, तभी आपकी पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप धृढ़ ध्यान से परिपूर्ण होंगे और आप ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकेंगे, आप मोक्ष के बारे में जान सकेंगे, आप सत्य के बारे में जान सकेंगे, आप अमृत के बारे में जान सकेंगे, आप जीवन को संपूर्णता से जान सकेंगे। और ये दीपावली के अवसर पर मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देती हूँ कि आपके अंदर से आपको छलांग लगाना आए, आपको हंसना मुस्कुराना आए, आप जीवन में आनंदित रहें और प्रसन्न रहें, ऐसा ही मेरा आपको आशीर्वाद है और आपके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आपके अंदर भी दिया जले, बाहर भी दिया जले, आप जगमगाते रहे, आपको प्रकाश की प्राप्ति, ऐसा ही मेरा आपको आशीर्वाद देती हूँ। हम लोग नवरात्रि पर और दिवाली पर हमारे गुरु जी जाते थे तो 3 दिन पहले से हम लोग दिवाली पर पहुंच जाते थे, जो घर में लाइट भी नहीं जलती थी और लोग सोचते हैं घर की दिवाली बन जाए, घर पर दिया जल जाए और घर पे क्या कहते हैं वो कर लें, घर में पूजन कर लें, पर जो पूजन में लाभ गुरु के साथ करने से मिलता है वो लाभ घर में बैठ के करने से नहीं मिलता। दीपावली में जो गुरु के साथ बैठ कर मनाई जाती है वो उससे सहस गुना ज्यादा लाभ मिलता है। मैं कह रही हूँ मेरे जीवन का अनुभव है, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि आप हम सामने बैठे रहते हैं और दीपावली पर बस एक ही बात कहना चाहूंगी आपसे कि आपको जंप लगाना है। मैंने आपको देखा है 20 साल से देखती आ रही है आपको और कुछ शिष्यों में तो बहुत ज्यादा बदलाव आया है, बहुत एकदम टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आप भी बहुत सारे काम करती जाते हो, छोटे मोटे काम है, माता जी काम पर दो काम आप तो होते रहेंगे, पर अब आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा और आपको भी नया मनुष्य बनना पड़ेगा। और इसमें मैंने कहा ना जस्ट जंप, आपको एक छलांग लगाना आना नहीं कि आप तेजी से छलांग लगा सकते हैं। कोई भी आदमी मैंने देखा बहुत सारे लोग मॉडिफाई हो सकते हैं, मॉडिफाई से कुछ भी नहीं होगा, आप रंग रोगन कर लें, आप कपड़े बदल लें, आप कपड़े पहन लें, आप कुछ भी पहन लें, पर मैंने कहा ना कोई जब तक हिंसा नहीं जाएगी अहिंसा भी बन सकती आप, जब तक हिंसा नहीं जाएगी कोई भी लोभी अलोभी नहीं हो सकता, कोई भी अशांत शांत नहीं हो सकता, कोई भी क्रोधी अक्रोधी नहीं हो सकता। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, टोटल चेंज जाएगा तब आपका क्रोध जाएगा, तब आप क्रोधी बनेंगे, तब आप अंदर से शांत बनेंगे और तब आपको सिद्धि आएंगी। आप एक दिन में कोई लोभी अलोभी नहीं बन सकता, या तो टोटल होगा मुझे बहुत मेडल मिला, युवा प्रतिभा सम्मान मिला, सम्मान मिले,
ऐसी बात वो बताती है क्या? और मैं सोचती थी पता नहीं मुझे समाज जैसे नहीं सकते, क्योंकि मुझे बोलना बहुत और भीड़ में जाना बिल्कुल तो अच्छा नहीं लगता था। जब मैं घर में छोटी थी तो मेरे घर रिश्तेदार आते थे तो कभी कमरे के सामने से नहीं निकलती थी, घर के पीछे गंदी सी गली थी और टूटे से उसमें ऐसे ऐसे लगे थे, तो वो वहां से स्कूल जाती थी। मेरी माँ बहुत नाराज होती थी, तुम सामने से क्यों नहीं निकलती किसी से, और मैं किसी सामने से नहीं निकलती, मुझे शर्म आती थी। तीन तीन चार चार दिन मेहमान आके रह जाते थे और मेरे पति सी गली से घर के पीछे जहाँ बर्तन वाली बर्तन मारती है वहां से धीरे से निकल जाती थी। और बड़े खुशी जब भी मंच पे आते थे तो हमेशा मेरे हाथ माइक देते थे, कहते सांता तुम बोल रहे हो। एक फोटो देखी हुई आपने मेरी कि मैं माइक में लेके बोलने के मैं रोने लगती, मुझे माइक में लेके बोलना नहीं अच्छा लगता, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वो काम मुझे जीवन में करना पड़े। ऐसे एक दिन मैं बातों बातों में तुम्हारे पिताजी से कहती है कि मेरे पास तो ज्यादा दिन नहीं हुए थे, मेरे पास तो डॉक्टर की डिग्री की है, मैंने तो बहुत बड़ी डिग्री मेरे पास, मैंने बी एस सी भी किया है, डिग्री से तो क्लिनिक तो नहीं चलाती, मैं कोई शराब आती क्लिनिक चलाने को तो बहुत सारी भीड़ आ जाएगी, क्या मेरे तो हाथ पर कपड़े लगे थे, तो मैं कोई शर्म नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं छः नंबर की क्लिनिक देखी और कोई मेरे पास पैसा था, मैंने छः नंबर क्लिनिक चलाई। अब विश्वास नहीं, जिस दिन ज़्यादा पेशेंट आ जाते थे मैं घर में जाकर रोने लगती थी, कहती थी यार आप बहुत भिड़ाई बहुत मेरे हाथ पर कपड़ा है इतनी भीड़ में झेल नहीं सकती। और अभी समझाते नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और फिर मैंने कहा कि अध्यात्म कब विस्फोट हो जाए, जब मैं क्लिनिक चलाती थी तो जैसे एक ही मंत्र पढ़ती थी, गवाड़ मंत्र एंग्री की चामुंडे नीचे आते समय जाते समय, और ऐसा हुआ कि मैं जिस पेशेंट को दवाई देती थी ठीक हो जाता, किसी को भी दवाई नहीं होती थी, इतनी भीड़ कि हमें विदेश से लोग आने लगे, बम्बई से लोग आते थे, दिल्ली से लोग आते थे, बड़े बड़े पत्रकार इंटरव्यू में आते थे, और जितने मैं करती थी कि लोग मेरे पास ना आए लोग मेरे पास आते थे। और मैं कहीं भी जाऊँ ट्रेन में जाऊँ कहीं भी जाऊँ किसी भी एसटीडी पीछे बैठूँ तो कहते थे कि आप डॉक्टर साथ में हैं क्या, आप डॉक्टर साथ में हैं क्या, तो कहते थे हाँ मैं डॉक्टर साथ में हूँ, मैं आपको जान दे दूंगा। निरोधा हेल्थ मेटिंग रोकना वाले बहुत ही आए, अच्छा पहले कोई मेरे क्लिनिक में आता था तो सबसे पहले एक पूछता था आपकी मम्मी कहाँ है, मैं 45 किलो की दुबली पतली लड़की थी क्लिनिक में बैठी रहती तो मैं कहती कौन मम्मी, बोले डॉक्टर साहब ना कहाँ है, मुझे देखे कोई विश्वास ही नहीं करता था कि मैं डॉक्टर हूँ। तो 14 साल मैंने क्लिनिक चलाई, लोग पूरे हिंदुस्तान से लोग आके बैठते थे, इतना चेंज आया, फिर तो बड़े बड़े लोग आके बैठते थे, जहाँ मैं बात करने में झेपती थी वहां सबसे बात करती थी। और मैंने 14 साल क्लिनिक चलाई तो एक दिन जो सुबह 10 बजे क्लिनिक जाती थी तो शाम को 5 बजे आती थी, और घर जाती थी सिर्फ संध्या करती थी घर जाके, और 6 बजे से रात के 10:30 बजे तक क्लिनिक चलाती थी। मैंने 14 साल तक बनवा चला है और आप तो विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे क्लिनिक में एक टॉयलेट भी नहीं था, मैं बिना पानी पी क्लिनिक में बैठती थी, मैंने इतनी मेहनत की और ये मेरी मेहनत अगले मैंने इतना पैसा कमाया। अब मैं कुछ बोलूंगी नहीं, हाँ ये निखिल राम उसी का स्वरूप है, मैंने एक एक पैसा निखिल राम में लगाया, एक एक पीस मैंने निखिल राम में लगाई, मैंने फ्लैट लिए जो भी किया, और हाँ आज मैं देखती हूँ कि मैंने जो 14-15 साल मेहनत की तो आज निखिल राम खड़ा हुआ है। तो ये परिवर्तन आता है, ये गुरु कृपा से आता है, और यही परिवर्तन में आप मैं देखना चाहते हैं कि आपके अंदर भी इतना परिवर्तन आया। और फिर बड़े मुझे कह दिया एक दिन आपके शिविर में, मैं एक दिन के लिए भी अपना क्लिनिक नहीं होती थी, जहाँ मैं क्लिनिक जाने में कतराती थी, एक दिन के लिए भी कहीं जाना होता था या तो पिताजी कहते थे 2 दिन के लिए साथ पचवाड़ी चलते हैं, तो मुझे लगता था 2 दिन की पचवाड़ी जाऊंगी तो मेरा कितना लाखों का नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं जाती, तो मैं कहीं नहीं जाती, मुझे अपनी क्लिनिक से इतना प्यार हो गया था, जहाँ मैं घबराती थी क्लिनिक जाने में, और इतना चेंज थी क्लिनिक के बिना, मतलब मैं 1 घंटे के लिए घर जाती थी और इतनी फ्रेश आके बैठती थी, पेशेंट देती थी, मैंने अपने काम से हमेशा प्यार किया। और एक एक लोग संदेश दूंगी, जो भी काम करो उसे बहुत दिल से करो, बहुत प्यार से करो, अगर दुकान भी चलाओ तो बहुत प्यार से चलाओ, हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत बोझ से करते हैं, यार अब दुकान जाना है, अब ये काम करना है या नौकरी करना है, हमने कभी अपने जॉब से प्यार नहीं किया, पर मैंने अपने काम से बहुत प्यार किया, मैंने अपने काम की पूजा की,
और जब अपने काम की को बहुत तल्लीन होकर करते हैं तो वही काम पूजा बन जाता है। और फिर मेरा टोटल आप ये देख रहे हैं, ये चीजें देख रहे हैं, ये कम से कम उठेगा नहीं, ये 8 किलो का सीरियस होगा, ये मैंने बनाया है, ये मैंने पारा भी बनाया है इस नित्य धाम के लिए, मैंने 10-10 किलो की मूर्तियां बनाई, तो मैंने टोटल चेंज किया इसको, मैंने पारे का निर्माण किया, सी किताब पढ़ी और मैंने इतना पारा बनाया कि आज कोई भी शिष्य ऐसा नहीं जिसके पारे शिवलिंग मेरे हाथ के बने हुए नहीं हो, और कोई नहीं पारा देख छोटी का छोटी नीति का बनाकर बता रहा, और मुझे किसी ने भी नहीं सिखाया, सिर्फ बड़े गुरु जी ने, जब पारा जमा नहीं एक बार, और मैं पहले पारे की गोलियां बनाती थी छोटी छोटी, पारा जमता ही नहीं था, पर बड़े गुरु ने एक बार कहा था कि साधना मेरे माइंड का इंफेक्शन तेरे माइंड से हो गया है, और है उनके माइंड से मेरे माइंड का इंफेक्शन, मैं उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ जी आगे मैं आपको बताओ, अब तो जमीन इधर क्या करें, और आंख बंद करके कमरे में बैठ जाती, फिर वो आके बोलती कि ऐसा करो सीधे से इसमें जितना पारा मिला उतना नमक मिला लो तेरा पारा डूबने लगेगा। तो बड़े गुरुजी जैसे अरविंद जी ने कहा कहीं गए नहीं है, वो तो अपने शिष्य की अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप शिष्य को तल्लीन होकर करते हैं तो वो आपका साथ देते हैं और 100% साथ देते हैं, और आप अपने किसी तल्लीनता के साथ अपना कोई भी काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो निग्रेशन में आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा मैंने 14 साल की नीचे आई प्रेम मंदिर एक शिविर में लगे साधना, तुम इतनी क्लिनिक चलाई तुमने, तुमने लाखों पेशेंट देखे हैं, और कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कार्य में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसे अपना मार्ग बदल देना चाहिए, तुम अपना मार्ग बदल दे, और उन्होंने मेरा मार्ग बदलवा दिया। नहीं तो कभी कोई मुझसे कहता था कि तुम एक दिन आपको क्लिनिक बंद करना पड़ेगा, आप आध्यात्म में आइए, मुझे विश्वास नहीं होता था, मैं अपनी क्लिनिक से इतना कहता था कि मुझे कभी क्लिनिक बंद करना पड़ेगी, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैंने कभी इतना मैं कभी जीवन में इतना पारा बना पाऊंगी ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था, कभी मैं ऐसा काम कर पाऊंगी ये कभी, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, इतने सारे शिष्य हो जाना है, दीक्षाएं हो जाना, और मैं जो भी पारा बनाती हूँ तो उसमें संपूर्णता के साथ बनाती हूँ, सारी सिद्धियों का लक्ष्मी का सबका उसमें स्थापन करती हूँ, अगर कोई भी शिष्य मेरे हाथ से लड्डू गोपाल लेके गया है, अभी 10 दिन पहले शिष्य थे नांदेड़ वाले, वो लड्डू गोपाल लेके गया, मैंने हजारों शिष्यों को लड्डू गोपाल दिए, और लड्डू गोपाल लेके जाते हैं 10 दिन के बाद आती है कि माता जी हमसे प्रेग्नेंट हो गए, क्या था वो लड्डू गोपाल में, उसमें वो शक्ति का आह्वान किया जाता है, अंडर करंट कौन सी शक्ति चलती है वो शक्ति को, तो जिसको भी अंदर लड्डू गोपाल दिए, बहुत सारे शिष्य आपने तो सुने होंगे जिनको मैंने अपने हाथ से बने लड्डू गोपाल दिए हैं, जिनको मैंने अपने हाथ से बने श्री अंत दिए हैं, जिनको मैंने अपने हाथ से बने पारा शिवलिंग दिए हैं, पारा शिवलिंग जिस भी शिष्य के घर में रख दिए मैंने उत्तर की तरफ करके, उनका 1 किलोमीटर उनका कभी किसी का काम नहीं हो सकती, श्री अंत मैंने श्री अंत बना एक ही श्री अंत है मेरे पास, आज इसका पूजन करूंगी और जो भी शिष्य एक ही शरीर है मेरे पास में, क्योंकि इसको बनाने में मुझे 15 दिन लग गए, तो शरीर अपने घर में रख लेगा उसके घर में कुबेर समान धन की वर्षा होगी 100% होगी, और मुझे मानो तुम लोग सब मांगोगे, पर जो किस्मत वाला अपने शिष्य होगा क्या उसी के घर में शरीर से ले जाएंगे, क्योंकि मैंने जब मैं बनाती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों को समान बना दिया, इसको प्योर पारे से बनाया जाता है, और इसमें 3-4 घंटे एक एक शक्ति का जो काम तो गुरु कर सकते, एक एक शक्ति का आह्वान किया जाता है और उसको इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है, तब जाके वो शक्ति वहां काम करती है, जैसे एंटीना है, अगर आपके घर में एंटीना नहीं होगा तो आपको टीवी नहीं दिखेगी, तो मैंने सारे एंटीना आपके घर में लगा के रखे, बड़े मुझे कहते थे साथ मैंने एंटीना मेरा एंटीना मैंने तेरे घर में लगा रखा है, और आज भी उनका एंटीना मेरे घर पर है, मैं क्या बोलती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, मैं खड़ा खाती हूँ वो सब देखते हैं, उन्होंने कहा आज भी दीक्षा देते आके उन्होंने कहा ना कि लोग कहते हैं बड़े बुद्धि शरीर छोड़ दिया, शरीर तो कोई भी नहीं छोड़ता, तो निग्रेशन है एक ही खोल जाता है, जैसे ही आदमी शरीर छोड़ता है दूसरा नया शरीर अपने आप ऐसे निकल आता है, क्योंकि बड़े बुद्धि ने जब भी दर्शन दिए जब भी दीक्षा दिए मुझे और अभी भी आते हैं वो, ऐसा नहीं आप दीपावली दिन झूठी बोल रही हूँ, कार्य भी करते हैं, बात भी करते हैं, गले से भी लगाते हैं और जाते भी हैं,
तो निकृष्ट अंत कहीं नहीं गए, इस बात का मैं समर्थन करती हूँ और 100% समर्थन करती हूँ कि जो बात तुम्हारे पिताजी ने कही निकृष्ट अंत कहीं भी नहीं गए। बस आवश्यकता इस बात की तुम्हारे अंदर थोड़ा जो चेंज आए, तुम्हारे अंदर वो आंखें आए, तुम्हारे अंदर वो लाइट आए, तुम पहचान सको, तुम देख सको, तुम कुछ समझ सको। पहले बड़े मुझे आते थे तो मैं फोन पर बात करती थी, तो फोन पर बात करती थी तो लगता था क्या बोले, कुछ बोल ही नहीं पाती थी, शब्द ही नहीं निकलते थे, गुरुजी 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 और हकलाने लगते थे क्योंकि गुरु के सामने कैसे बोले। पर आज मैंने किसी से फोन करते हैं तो आशीर्वाद बोलने का तक मौका, इतना बोलते हैं गुरु से, इतना बोलते हैं, बोलते बोलते ही जाते हैं, बोलते चुप ही नहीं होते, उनसे कहना पड़ता आप चुप हो जाओ, सुन लिया है, एक बार बोलने शुरू करते चुप ही नहीं होते, जबकि पहले होता था कि गुरु बोलता था और शिष्य सुनते थे, अब होता उल्टा है कि शिष्य बोलते हैं गुरु सुनता है, हम लोग सुनते रहते हैं, आते सुनते रहते हैं, आप एक एक घंटे आते आते अगर आपसे नहीं कहना चुप हो जाओ तो आप बोलते ही रहेंगे बोलते रहेंगे, और जबकि शिष्य को बहुत कम शब्दों में गुरु से बात करना चाहिए। और आपको ज्यादा समय हो गया है, फिर ये कहूंगी कि आपका नव निर्माण हो, आपके अंदर लाइट आए, एक नए मनुष्य का निर्माण हो और आपके अंदर से एक खुद से आप एकदम छलांग लगाए, यही आशीर्वाद है। सही मूड शुरू हो गया है और हम लोग प्रचंड महालक्ष्मी अनुष्ठान करेंगे, अष्टलक्ष्मी अनुष्ठान करेंगे और अच्छे से साधना करें, ये पूजन नहीं साधना है, दिल से करें और ऐसे आप लोग पूजन करें, साधना करें जैसे साक्षात लक्ष्मी आपके सामने बैठी है और आप पूजन कर रहे हैं, पूरे भाव के साथ करें क्योंकि आपके पास धन आए और इसी में चमत्कार घटित हो जाएंगे और चमत्कार और कहीं नहीं होते हैं, चमत्कार तो जिंदगी में आपके रोज घटित होते हैं। भगवान कृष्ण है तो भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते दिया था उन्होंने अर्जुन को, ऐसे 24 घंटे नहीं कहते थे देख मेरा विराट रूप, देख मेरा विराट रूप, 24 घंटे अपने विराट रूप को भी दिखाते थे और उनके अंदर विराट रूप समाहित था, पर 24 घंटे अपना विराट रूप में कि ले ये देख मेरा विराट रूप, ये देख मेरा विराट रूप। एक बार भगवान हनुमान जी ने रामचंद्र जी को अपना सीना चीर के दिखा दिया, देखिए आप उसके अंदर बैठे हैं, ऐसे थोड़ी 24 घंटे अपना अपनी छाती चीर के दिखा देते थे, ये तो हनुमान जी बैठे राम जी बैठे हैं, ये तो राम सिंह बैठे हैं। तो आपके जीवन में तो बहुत कुछ होता है, होता रहेगा, करते रहेंगे आप लोग, परिवर्तन करते रहेंगे, पर मैंने कहा कभी परिवर्तन नहीं, अब मैं आपका संपूर्ण परिवर्तन करना चाहती हूँ और आपकी उदासी छीन लेना चाहती हूँ, इस बार आपका उदासी छोड़ेंगे, मैं आपकी उदासी छीन लूंगी इस दीपावली पर, और उसी लिए आपके चेहरे में मुस्कुराहट हो, हंसी हो, खुशी हो, आनंदित हो और धन्य धान से पूर्ण हो, ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ और आपकी संपूर्ण उदासी में छीन लूंगी, आप नहीं छोड़ेंगे पर मैं छीन लूंगी आपकी परेशानियों को, छीन लूंगी मैं, और आप अनुष्ठान करें मेरे साथ, आपके पास धन आए, आपके पास यश आए, आपके पास मान आए, जो आपको याद करें ऐसे धन ऐसे धन, अगर आपके पास यश नहीं है तो धन किस काम का, तो आपके जीवन में यश भी आए, आप आरोग्यवान हो, आप सौंदर्यवान हो, आप संतानवान हो और सिद्धिवान हो, आपका सभी सिद्धियां हो और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, फिर आप पूजा करने से पहले पहले आपको आशीर्वाद देते हैं, ये सब चीजें आपको प्राप्त हो और निरंतर प्राप्त होते रहे आपको, क्योंकि गंगा निरंतर देती रहती है, महालक्ष्मी निरंतर देती रहती है, गंगा बह रही, गंगा ऐसा नहीं कहती मैं आज मुक्त कर रही हूँ, कहते नहीं देती, मैं आप लोग से बोलती कहूँ पर मैं निरंतर आप लोगों की कार्य करती रहती हूँ, मैं वीडियो भी कम बनाती हूँ, मैंने इतनी वीडियो बना दी है और उसमें आप लोगों को बहुत कुछ बोल दिया, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और जरूरी है कि मैं आपके सामने आते बोलूँ, मैं कमरे में बैठ के भी आपसे बोल देती हूँ और आपका देखती चेतना है कि मैं अपने कमरे में बैठ कर कुछ आपको बोल रही हूँ तो आप सुन सकें, आपके मेरे बीच के ऐसे तार जुड़े हैं कि मैं अपने कमरे में बैठकर आपको संदेश दूँ बिना वीडियो के बिना माइक के और आप उसे सुन लें, उसे समझ लेना कि आपका और मेरे माइंड का इंटरेक्शन हो गया है, और ऐसा ही आशीर्वाद देती हूँ कि मैं आपसे बोलूँ आपसे कहूँ आप सुन लें, मैं आपको वीडियो बना कर दूँ और आप मुझे क्यों नहीं मत करना, मैं अपने कमरे में बैठूंगी बोलूंगी और आप सुन लीजिए, कभी कभी कमरे में बैठ के वीडियो बना दूंगी, और मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए आपको, सब कुछ तो बोल दिया, उन्हीं को आप फिर से देखेंगे तो आपको उन्हीं में सब कुछ मिल जाएगा और आपको बस उत्तम शरण गच्छामि नहीं बनाना, मुझे आपको धनवान बनाना है, मुझे आपको चेतनावान बनाना है और मुझे आपका नव निर्माण करना है कि आपके अंदर से एक नया मनुष्य निकल सके, एक नए समाज की रचना हो सके, उस साधक के नए लोग हों जिनको मैं आप क्या कहूँ कि हाँ बस
जिनको उड़ना है, जिनके पंख फैलाए हैं तो आसमान में उड़ सकते हैं। क्रिश्चियन जाति एक कुछ ले लो हाथ में, ओम गुरुभ्यो नमः, सुन जाओ, ओम गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी का ध्यान कर लो। नमोस्तुते महामाया श्री पीठे सुप्रीते शंकर सदा होते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गण गण अनुने कोला सुन रहे अंतरी सर्वाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्वप्रदे सर्वदुष्ट हैं करी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदा सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भूखे मुक्ति प्रदायनी मंत्र पूर्णे सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आध्यान करते देवी आध्यान शक्ति महेश्वरी योगने योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन संस्थे देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगत मात लक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर हरे देवी नाना अलंकार विभूषिते जगत स्थिते जगत मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी स्तोत्र पठे सर्व काशी भवा राज्यो प्राप्ति निश्चयम् एक काल पाप विनाशनम् एक काल पड़ता है उससे सारे पापों का नाश हो जाता है। जी बालम नित्यम धन जो दूसरे काल में पड़ता है उसको धन धान्य की प्राप्ति होती है बहुत ज्यादा धन धान्य आपके सभी पापों का नाश हो। जी बालम पुरे महान शत्रु नाशी और आपके सभी शत्रुओं का नाश हो ऐसे ही आशीर्वाद है। महालक्ष्मी मूर्ति प्रसन्न नाम बढ़ता हुआ सुबह हे महालक्ष्मी आप हम महाविद्या साधक परिवार पर प्रसन्न हो। एक हाथ में जल लें और तीन बार पियो उसमें ये सद्गुरु स्वामी कृष्ण महाराज उनके चरणों का ध्यान करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु आत्मोक्त मूलं गुरु कृपा ही केवलं गुरु कृपा ही केवलं गुरु कृपा ही केवलं गुरु कृपा ही केवलं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सः हंसा श्री हंस हासा का प्रेम आसा चमल वर्यम हस्तो आसा का प्रेम सह चमल वर्यम इष्टो सोहम हंसा शिव स्वरूप जो है ते श्री सद्गुरु निर्देशनाथ श्री पाता पूजयामि नमः। अपरा गुरु का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सः सोहम हंसा शिव आसा का प्रेम आसा चमल वर्यम हस्तो आसा का प्रेम सह चमल वर्यम सोहम हंसा शिव सत्मे श्री परम गुरु नमः। परम गुरु श्री पाता पूजयामि नमः। परमेश्वर गुरु का ध्यान करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सः हंसा शिव सोहम हंसा आसा का प्रेम आसा चमल वर्यम हंसो आसा का प्रेम आसा चमल वर्यम सोहम हंसा शिव सोहम हंसा स्वातंत्र परमेश्वर गुरु नमः। परमेश्वर गुरु श्री पात्रं पूजयामि नमः। श्री नाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं सद्भवतां पटुत्रयं पद्मिवं भूतिकरं मण्डलं विराटत्रयं यष्टिं हाथ जोड़ लें हाथ जोड़ आग बंद कर लें और महालक्ष्मी का ध्यान करें। वंदे लक्ष्मी परिक्षोमयी शुद्ध जानमूल सर्वभूषण बालांगी बीजारूपम कदंतरशम हेमानु पद्मम तथानाम आध्याशक्ति सकलजननी विष्णुवामां संस्थां श्री भाग्यजननी स्तंभेति लक्ष्मी सनातनी सत्तां फलप्रदा देवी साधनी सुभा इसुनाति नित्यं देवी श्री त्वया प्रेमान्तः गमाद्यं सिद्धा धृत्वा ध्यामि परमेश्वरी।
ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ऐं ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः। ऐं ह्रीं क्लीं आत्मतत्त्वापि श्री महालक्ष्मी श्री पादां पूजयामि नमः। ऐं ह्रीं क्लीं विद्यातत्त्वापि श्री महालक्ष्मी श्री पादां पूजयामि नमः। ऐं ह्रीं क्लीं सर्गतत्त्वापि महालक्ष्मी श्री पादां पूजयामि नमः। ऐं ह्रीं क्लीं विष्णुतत्त्वापि श्री महालक्ष्मी श्री पादां पूजयामि नमः। ऐं ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी सांगाय सा परिवाराय श्री पादां पूजयामि नमः। ऐं ह्रीं क्लीं प्रतिपुटे श्री महालक्ष्मी श्री पादां पूजयामि नमः। महालक्ष्मी च विद्महे शक्तीश्वरी च धीमहि तन्ना शक्ति प्रचोदयात्। ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी च विद्महे शक्तीश्वरी च धीमहि तन्ना अमृता प्रचोदयात्। ऐं श्री महालक्ष्मी श्वरी श्री पादां पूजयामि अर्धं कल्पयामि अर्धदेहम्। श्री महालक्ष्मी अमृतेश्वरी श्री पादां पूजयामि नमः कल्पयामि। अहं पुटे भागवेश्वरी विद्महे द्विजीपुटे कामेश्वरी च धीमहि ततिपुटे तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। स्वस्ति महालक्ष्मी देवी विद्महे शक्तीश्वरी च धीमहि तन्ना अमृता प्रचोदयात्। ऐं ह्रीं क्लीं भं भैरवाय नमः द्वारा शुभां शाखायां श्रोतुम्। ऐं ह्रीं क्लीं लं लम्बोदराय नमः लम्ब गुरु द्वादश उप शाखायां श्रोतुम्। अब हाथ में अक्षत ले लो, जल ले लो, पुष्प ले लो और तुम्हारी जो भी इच्छा हो। आपकी जो भी इच्छा हो, आप जो कुछ भी चाहते हैं महालक्ष्मी आपकी इच्छा पूरी करें। ऐसा आप दल ले लेना और विनियोग करें। देश कालों संकीर्ते मौवी बात समस्त दुर्च है पुत्रों की महालक्ष्मी प्रसाद सिद्ध करते हैं। धन प्राप्त करते हैं, आरोग्य प्राप्त करते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, अष्टलक्ष्मी कृपा प्राप्त करते हैं, सर्वा सिद्ध करते हैं, श्री महालक्ष्मी प्रीत करते हैं, पाठे विनियोग छोटे हैं। ऐं ह्रीं क्लीं श्री आभार शक्ति कमलासनाय नमः सूर्यदेव को। ऐं ह्रीं क्लीं रक्त द्वादश शक्तियुताय दीपनाथाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं समस्त गुप्त प्रकट सिद्धि योगिनी चक्र श्री पादां पूजयामि नमः। फिर अपने ऊपर से ऐसा बोलो, ऐसा करते बोलो, ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं हम अस्त्राय पातुम। अब महालक्ष्मी प्राण प्रतिष्ठा कर लो। ऐसा करो, अपने हृदय बांध रखो और अपने शरीर पर ही महालक्ष्मी प्राण प्रतिष्ठा कर लो कि जहां भी जाए आपका शरीर ही चलता फिरता महालक्ष्मी अंदर। ऐं ह्रीं क्लीं ओम आं ह्रीं ह्रौं यं ह्रं लं बं तं शं हंसा सोहं हंसा शिवा श्री महालक्ष्मी चक्र प्राणायामणा। ऐं ह्रीं क्लीं ओम आं ह्रीं ह्रौं यम रम लम बम सम सम हंसा ओम हंसम सोहम सोहम हंसा शिव श्री महालक्ष्मी चक्र जीव यह जीव जीते। ऐं ह्रीं क्लीं ओम आं ह्रीं ह्रौं यम रम लम बम सम हंसा ओम हंसा सोहम सोहम हंसा शिव श्री महालक्ष्मी चक्र कल्याणकारी वाग्मान प्रकृति सौ दिव्या प्राणा यह गत सुखम के संजु स्वाहा। अच्छा छोड़ो, अब संतु यह मुर्दा है, यह मुर्दा की कोई आपकी पूजा में डिस्टर्ब नहीं करे। अब आप महालक्ष्मी के मंदिर का पूजन करेंगे, मैं एक एक मंत्र पढ़ूंगी। ऐं ह्रीं क्लीं अन्तेभ्यो निधये नमः। ऐं ह्रीं क्लीं रत्नदीपाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं नाना रत्न मोहप्रदाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं तत्व वाटिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं संतान वाटिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हरिचंदन वाटिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं मंदार वाटिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं पारिजात वाटिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कदम वाटिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं पुष्पराग प्राकट्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं पद्मराग प्रकाट्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भूमेन्द्र रत्न प्राकट्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं वज्र रत्न प्राकट्याय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं वैदुक रत्न प्राकट्याय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं
इन तीन रत्न का पाठ क्या है? नमः। ओम एम नीति मुक्त द मुक्ता रत्न का पाठ क्या है? नमः। ओम एम नीति वर्तक रत्न का पाठ क्या है? नमः। ओम एम नीति विद्युत रत्न का पाठ क्या है? नमः। ओम एम नीति माणिक रत्न का पाठ क्या है? नमः। ओम एम नीति स्तंभ छह स्तंभ मुक्त पाए है? नमः। ओम एम नीति अमृत वापिका है? नमः। ओम एम नीति वृष वापिका है? नमः। ओम एम जी बालोक ग्रह है? नमः। ओम एम जी चंद्रका चंद्र को उद्गारा है? नमः। ओम एम जी श्री मंगा महासंगा नायक नायिका परिवार है? नमः। ओम एम जी श्री महान पद्म भट्टाई? नमः। ओम एम जी चिंतामणि गृह राजा है? नमः। ओम एम जी श्री पुर अमान्या है पुर द्वारा है? नमः। ओम एम जी दक्षिण अमान्या है दक्षिण द्वारा है? नमः। ओम एम नीति की पश्चिम अमान्य है पश्चिम द्वारा है? नमः। ओम एम उत्तर अमान्य है उत्तर द्वारा है? नमः। ओम एम नीति रत्न दीप वाले आए? नमः। ओम एम नीति मणिमय महासिंहासन है? नमः। ओम एम नीति ब्रह्ममय पद्म पाद आए? नमः। ओम एम नीति विष्णुमय मंच पाद आए? नमः। ओम एम नीति रुद्रमय मंच पाद आए? नमः। ओम एम ईश्वर में मंच पाद आए? नमः। ओम एम श्री सदाशिव में पवन पाद आए? नमः। ओम एम श्री हंसकुल कलित आए? नमः। ओम एम श्री हंसकुल महाप्राण आए? नमः। ओम एम श्री कौस्तुभ मणि आए? नमः। ओम एम श्री महाविदांत आए? नमः। ओम एम श्री महायज्ञ आए? नमः। अब इसमें बढ़ने बाद इसकी सामना करो मैं उत्तर डालो इसमें कल्चर डालो एक आत्मिक डाल लो कल्चर सूखे विष्णु कंठे रूप से मान्यता बोले तो सूखे की तू सागरा सर्दी में समुद्रा ये अगले रकम में सामने का सर्वे सर समुद्रा सर्दी का क्या जंदा नया आया तू महालक्ष्मी विश्वेश्वर का गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्दकुरु सादा पानी ओ वरुण हाँ अक्षय डालो कंस्टेंट और वरुण देव का आह्वान करो ओ वरुण सांग ऐसा परिवार है आप यमी स्नात में यमी पूजामी नमः अपर के चारों का पूजन करो रीम राम हृदय नमः रीम भीम सृष्टि रहा रीम रूम सिखाया बटन रीम रेम का उपचार रीम रोम नेता बटन रीम दान खाए पट ओम तीन बार अक्षर डालो ब्रश के अंदर और रीम रीम नमः बोलो रीम रीम नमः रीम रीम नमः रीम रीम नमः ओम भी अग्नि मंडलाय दस कलाप में श्री महालक्ष्मी विशेष अर्थ पाठ गाए नमः ओम भीम राम रीम नमः अग्नि मंडलाय नमः दस अग्नि कलाप में स्थापया में पूजा में नमः ओम भीम कुल मंडलाय द्वादश कलाप में श्री महालक्ष्मी विशेष अर्घ पात्राय नमः ओम ह्रीम हां ह्रीम हमर गुरु सूर मंडलाय नमः द्वादश कुंभलाव रमे स्थापयामि पूजयामि नमः आपके हल्दी चावल है पुष्प है लक्ष्मी का आह्वान करें कलश के अंदर लक्ष्मी कलश के अंदर थोड़ा सा लोग कलश के अंदर ही जाना चाहिए बस आप ही कराना ह्रीम ह्रीम है महालक्ष्मीश्वरी परम स्वामी उर्सुन प्रभावनी महालक्ष्मी विशेष अर्थ पात्र नमः ओम भीम शाम श्रीम सुस्मरण सोम मंडलाय नमः शोषण सोम प्रलाभ स्थापयामि पूजयामि नमः ईश्वर मंडलाय नमः चतुरीश्वर कलाभ्यामि स्थापयामि पूजयामि नमः एम भीम श्री सदाशिव मंडलाय नमः और आठ बार बोलेंगे रीम ओम धूम सा स्वाहा रीम ओम धूम सा स्वाहा
एक आदमी जल है ना रीम वशन बोलते हो रीम स्वाहा बोलते हो उसी में छोड़ देना तो रीम वशन रीम स्वाहा रीम स्वाहा रीम होम रीम होम रीम होम हाथ में बोले हमने उसको रखा हाथ में बोले रीम वशन बोलते हैं रीम होम रीम होम रीम होम अब ये वाली मुद्रा दिखाओ कल इसको सात बार बोले रीम वशन 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 इस मुद्रा को बोलते हैं आवृत्ति ग्रहण की मुद्रा ये मुद्रा सात बार दिखाई जाती है इसको आप कलश का अक्षर डालेंगे और सात बार रीम नमः बोलेंगे रीम नमः 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 अब हमने लक्ष्मी के अंदर कलश के अंदर लक्ष्मी का आह्वान किया था उन लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे रीम सुधा देव महालक्ष्मी नमः आह्वानार्थे पाद्योपाद्यम हस्तो अर्घ्यं मुखे आत्मनि समर्पयामि सर्वांगे स्नानम् समर्पयामि रीम सुधा देव नमः अमृत मुहूर्त चालू हो गया पूजन करो बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त आ रहा है महालक्ष्मी नमः पंचामृत स्नानम् समर्पयामि छप्पन भोग अमृत पानी समर्पयामि महालक्ष्मी नमः श्री पार्थ तुलसीपति ले हाथ में विष्णु जी का ध्यान करें विष्णु कल्पतरु सर्वानि विशंत बोलो ओम ओम एम एम रीम रीम श्रीम श्रीम एम एम क्लीम क्लीम सह सह एम क्लीम 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 सह श्री श्री महालक्ष्मी महालक्ष्मी कलाई कलाई नमः नमः महालक्ष्मी कला श्री पार्थम पूजयामि नमः ओम आनंद भैरवाय नमः आनंद भैरवी नमः ओम अखंड आनंद करे मन तिदे लिखु नाई के अपुन ना समृत करे शुद्ध ध्यान करे परे नौ जून सा तेश्वरी अमृत वर्षी अमृतम स्थावे स्थावे स्वाहा एम दिन से तेश्वरी अमृत वर्षी अमृतम स्थावे स्थावे अमृतम पूरा है पूरा है अमृतम देही देही हम तेश्वरी श्री भाग काम पूजा की नमः ओम जूम सहा 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 अब आपने अमृत कलश की स्थापना की है सबसे पहले द्वार में चल रही इसमें ओम ज्ञान प्रदाय च विद्महे जो स्वरूप का विद्महे तन्ना स्वभाव निर्देशन नाथ प्रचोदयात् ओम एक दंडाय विद्महे भक्तों दाय विद्महे तन्ना दंती प्रचोदयात् एम रीम श्री महालक्ष्मी च विद्महे धन प्रदाय च विद्महे तन्ना कमला प्रचोदयात्
अब तुम्हारे शरीर पर शोधन है मंत्रों के द्वारा, मैं मंत्र पढ़ूंगी, पूरे शरीर पे ध्यान दे अपना। ओम ऐं ह्रीं श्रीं यम 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 इदिया पुरात्वा संकोच शरीरम शोषय शोषय स्वाहा। आप शुभ शरीर के लिए, शुभ शरीर के लिए भी जिन शरीर शोषितम व्याजम पिंगला है जैसा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं रम 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 पिंगला पुरात्वा संकोच शरीर है दहते पश पश स्वाहा छोड़ जा सकते हैं। इति भस्मिरत च विवाद्य। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बम 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 इदा पुरित्वा परम शिव अमृत वर्षे वर्षे स्वाहा। फिर एक सुन लें। ऐं ह्रीं श्रीं लम 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 पिंगला पुरित्वा शांवी शरीर उत्पाद उत्पाद है स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं हंस अवतर अवतर पूरे शरीर पर लक्ष्मी की स्थापना है। आपके प्रसाद जहां भी जाए आपके सारे कार्य सिद्ध हो और आपके अंग प्रत्यंग में लक्ष्मी की स्थापना हो। तो न्यास है, न्यास का मतलब है कि लक्ष्मी की स्थापना लक्ष्मी मंत्र करें। तो आपके पूरे शरीर में लक्ष्मी स्थापित हो और मंत्र पढ़ोगे पूरे शरीर को जहां जहां मैं बोलू वहां वहां लक्ष्मी की स्थापना कर रहा हूँ। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं नमः सिरसे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं आम नमः मुखे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं इं नमः दक्ष नेत्रे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं इं नमः वाम नेत्रे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं ॐ नमः दक्षिण कर्णे। ऐं ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं ॐ नमः वाम कर्णे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं देव नमः दक्षिण आशा पोते। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम नासा पोते। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं दक्ष गंडे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं नम वाम गंडे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं पूर्व ओष्ठौ। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं अधर ओष्ठौ। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं पूर्व दशपंतरी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं अधोदन पंतौ। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं मुखरते। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं नमः कंठे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं दक्ष बाहु मूले। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं दक्ष बाहु कपूरे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं दक्ष मणि बंधे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं दक्ष अंगुली मूले। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं दक्ष अंगुली अग्रे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम बाहु मूले। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम कपूरे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम मणि बंधे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम अंगुली मूले। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम अंगुली अग्रे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं दक्ष नासा दक्ष पाद मूले। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं दक्ष जानुनी। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं दक्ष गुल्फे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं दस पादावली मूले। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं दस पादावली अग्रे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम पाद मूले। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम जानुनी। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम गुल्फे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम पादावली मूले। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम पादावली अग्रे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं नम दस पार्श्वे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वाम पार्श्वे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं पृष्ठ पूरे पृष्ठ पर। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं नमः नाभौ। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं नमः चक्षुरे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं यम नमः हृदये। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं रम नमः दक्षांशे शरीर के पूरे दाहिने भाग पर। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं नमः कपुदी कमर पर। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं वामांश पूरे बाएं भाग पर। अब ये चार न्यास हैं, ये चार न्यास बहुत जरूरी है, इससे कभी हार्ट फेल नहीं होता, कभी हार्ट संबंधी कोई दिक्कत नहीं आती। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं शम नमः हृदय आदि दक्षिण क्रांत हृदय से लेकर दक्षिण तक दाहिने हाथ तक। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं हृदय आदि वाम प्रांत हृदय से लेकर वाम हाथ बाएं हाथ तक। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं हृदय आदि दस पाद हृदय से लेकर बाएं पैर तक हृदय से लेकर दाहिने पैर तक। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं सौं हृदय आदि वाम पाद हृदय से लेकर बाएं पैर तक।
एम जी सी एन टी सो लंग मस्तादी पादम सिर से लेके पैर तक एम जी सी एन टी सो पादादी उस रोग का पैर से लेके सिर तक बोलो एम रीम रीम श्रीम श्रीम क्लीम क्लीम महालक्ष्मी महालक्ष्मी सर्वांगे सर्वांगे व्यापक व्यापक भव भव पूरे शरीर का जो महाशरीर है महालक्ष्मी है पूरे शरीर को हिसाब से आप जो भी काम करें आपके हाथों से लक्ष्मी आए ये हाथ के हाथों पर भी लक्ष्मी की स्थापना करें एम भीम सिंह मध्यभाग नमः ओम एम भीम सिंह अनामिकाभ्याम नमः ओम एम श्री कनिष्ठाभ्याम नमः ओम एम भीम अब अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम एम श्री तजलीभ्याम नमः ओम एम श्री कर्तन कर्तव्याभ्याम नमः अब आपकी शरीर की रक्षा या आत्मा की रक्षा का न्यास है आत्मरक्षा न्यास है एम भीम सिंह एम क्लीम सो श्री महालक्ष्मी आत्मा दक्ष रक्त की हृदय हृदय भाग को अंजलि दधा रक्त हृदय पर महालक्ष्मी आपने आत्मा की रक्षा करें एम भीम सिंह क्लीम सो देवासना है नमः एम भीम सिंह क्लीम हसो श्री चक्रासना है नमः एम भीम सिंह नेत्राय वशक एम रीम सिंह क्लीम स्वस्थाय बहुत अच्छे मुहूर्त में तो लोग पूजा कर रहे हो अब हाथ जोड़ लें अब महालक्ष्मी का ध्यान करें और उनका आह्वान करें बीजापुरम कनकर्षम देव पद्मा प्रधानतम आध्यालक्ष्मी सकल जननी विष्णु भगवान संतम श्री महालक्ष्मी भाग जननी इस समय लक्ष्मी सनातनी सर्वदा सर्वदा देवी महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी अमर चतन मूर्ति कल्पयामी नमः एम भीम श्री महापद्म करणानंद निर्मय सद्बुद्धि दे मातो ही पर मिली देवी भक्ति सुरवे परिवार समन में यावत पूजन करिष्यामी महालक्ष्मी एम भीम सिंह महालक्ष्मी महालक्ष्मी अंगुष्ठ का ध्यान नमः एम भीम सिंह के महालक्ष्मी पादभ्यां कल्पयामि नमः एम भीम सिंह महालक्ष्मी नमः अभ्यां पुरोभ्यां कल्पयामि नमः एम भीम सिंह महालक्ष्मी सुगंधित तैल कल्पयामि नमः एम भीम महालक्ष्मी नमः भंजन शाला प्रवेशयामि कल्पयामि नमः एम भीम श्री महालक्ष्मी नमः भंजन मंडप मंडप पीठे प्रवेशनाय नमः एम श्री महालक्ष्मी नमः दिव्य स्नानादि कल्पयामि नमः एम भीम श्री महालक्ष्मी नमः उत्तम स्नान कल्पयामि नमः एम भीम श्री महालक्ष्मी नमः कलश कलशम कल्पयामि नमः एम श्री महालक्ष्मी नमः सकल तीर्थ धर्म अभिषेकम सत्सागर सत्तीर्थ जल स्नान समर्पयामि नमः एम श्री महालक्ष्मी नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि पंचामृत होता है ना पंचामृत पूरा पूरा पंचामृत करो इस पे लेके एम भीम सिंह नमः जी पंचामृत स्नान स्नान कल्पयामि नमः एम भीम सिंह के महालक्ष्मी नाम दिव्य स्नान समर्पयामि नमः और सब कुछ छोड़ दो बदल के तो स्पर्श आते हैं हाथों पर छोड़ दो
एम श्री महालक्ष्मी नमः पुष्प दक्षिणा समर्पयामि नमः। एम श्री महालक्ष्मी नमः परिपाटन समर्पयामि नमः। एम श्री महालक्ष्मी नमः श्री रक्त परिधान समर्पयामि नमः। एम श्री महालक्ष्मी रक्त कंठी समर्पयामि नमः। पुनः आत्मनियम जलम समर्पयामि नमः। एम श्री महालक्ष्मी नमः ललाटे सिंदूरम समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी नमः हरिद्रत्न समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी नमः स्वर्णतिलक रत्नम समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी नमः माणिक मुकुट समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी नमः कुंडलम समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी नमः हीरक महापद्म समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी नमः नवरत्न महापद्म समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी नमः नवरत्न महापद्म समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी नमः स्वर्ण माल्यां समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी स्वभाव सूक्तम समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी नमः रत्न माल्यां समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी नमः समर्पयामि नमः। समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी आभूषण समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी नमः पादो पूजयामि। महालक्ष्मी नमः गुल्फम पूजयामि। गंगम पूजयामि। रम्योनि पूजयामि। नितंब पूजयामि। कष्पाशर पूजयामि। वामपाशर पूजयामि। महालक्ष्मी नमः दश स्कंदम पूजयामि। महालक्ष्मी नमः वाम स्कंदम पूजयामि। महालक्ष्मी संपूर्ण पृष्ठम पूजयामि। महालक्ष्मी नमः उदरम पूजयामि। महालक्ष्मी नमः नाभिम पूजयामि। महालक्ष्मी 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 कपोलम पूजयामि। महालक्ष्मी कर्णम पूजयामि। महालक्ष्मी नासिकां पूजयामि। महालक्ष्मी नेत्रम पूजयामि। महालक्ष्मी त्रिनेत्रम पूजयामि। महालक्ष्मी नमः भ्रक्तिम पूजयामि। महालक्ष्मी नमः भालम पूजयामि। महालक्ष्मी नमः मटकम पूजयामि। महालक्ष्मी नमः शमीपत्रम समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः बिलपत्रम समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः नाना सुवर्ण पुष्पम समर्पयामि। महालक्ष्मी कुष्माल्यां समर्पयामि। कुष्माल्यां समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः कपूराटिकं समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः कपूराटिकं समर्पयामि। कपूरगौरं तरणावतारं संसारसारं ऋजुवेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं महालक्ष्मी नमः आनन्दविलास समर्पयामि।
भीम सिंह महालक्ष्मी नमः नवैद्यम सुफलम समर्पयामि ओम नमः पृथ्वी स्वाहा ओम प्राणायाम आनायाम ध्यानायाम उदानायाम स्वाहा समानायाम स्वाहा तथा सामनायाम सायुगाय सह परिवार मानसी मां एक पातम वतम दिव्यम परमात्म नवैद्यम सुफलम समर्पयामि नवैद्यम सुफलम समर्पयामि नमः महालक्ष्मी 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 सा परिवार महालक्ष्मी गंडू चांद तर्पयामि नमः संशोभि सर महाकुशा सर क्षेत्री सर बीजा सर पिखंडाय की नौ मुद्रा प्रशेत छोड़ दो ओम ऐ विपिन की महारति से प्रार्थना पूज्यामि नमः ऐ कुछ लोग भगवती से प्रार्थना करो कि वहां पर पूरे परिवार का पूजन करना चाह रहे हैं अपने आदर प्रदान करें सभी में पड़े के भी प्रणाम है कि ज्ञान देही देवेशी परिवार अर्चना है मैं भगनी भगोदरी भगमाले भगवान भगपुरे भगयोनी भग निपाति सर्व भगवशंकरी भगरूपे नित्यकृलने भगस्वरूपे सर्वाणी भगानी मिहार नय वर्दे रेते सुरेते भगकृलने द्रवे क्लेदा क्लेदा गावय अमोदे भगविच्चे शोभय सर्व सत्व भगेश्वरी ऐं ब्लूं जयं ब्लूं वयं ब्लूं ॐ ब्लूं ऐं हैं ब्लूं हैं क्लीने सर्वाणी भगानी में वशमाने स्थिम हाका ब्रह्म दीम आप भगवानी नित्या से पाता पूज्यामी तर्प्यामी नमः ऐं ब्लीं स्थिम इम ओम ब्लीं नित्य क्लीने मद्रवे स्वाहा नित्य क्लीना मद्रवा से पाता पूज्यामी तर्प्यामी नमः ऐं ब्लीं स्थिम इम ओम क्रोम ढोम कोम छोम छोम जोम स्वाहा श्री भैरुंडा नित्यासी पाता पूज्यामि तर्प्यामि नमः ऐं ब्लीं श्री ओम ह्रीं वैवासिन्यै नमः वैवासिनी श्री पाता पूज्यामि तर्प्यामि नमः ऐं ब्लीं श्री ओम ह्रीं क्लीं ऐं क्रों नित्य मद्रव ह्रीं ओं महाब्रजेश्वरी नित्या श्री पाता पूज्यामि तर्प्यामि नमः ऐं ब्लीं श्री ह्रीं ह्रीं शिवदूते शिवदूते नमः शिवदूते नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्प्यामि नमः ऐं ब्लीं श्रीं ह्रीं ॐ ह्रीं हुं ठं चं छं छा ह्रीं हुं छं ह्रीं फट् श्री त्वरिता नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्प्यामि नमः ऐं ब्लीं श्रीं लं ऐं ह्रीं सः लं कुं सुन्दरी नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्प्यामि नमः ऐं ब्लीं श्रीं लं हासा हासा कल दें सकल रं ब्लीं नित्या
एम बी फ्रेंड स्ट्रू फ्रॉम आम क्लीन एम ब्लू नित्य मंत्र में होम फ्रेंड बी एम बी पताका नित्य श्री पास्ता पूज्यामी तर्प्यामी नमः एम बी पी एम हम मप रम यम ओम एम विजय नित्य श्री पास्ता पूज्यामी तर्प्यामी नमः एम बी पी ओम स्ट्रोम ओम सर्वमंगला नित्य श्री पास्ता पूज्यामी तर्प्यामी नमः एम बी पी ओम ओम अम भगवती ज्वालामाली देव देवी जी सर्वभूत सर्वाकारित जागृति ज्वंति ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल राम भीम भूम रा 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 ज्वालामाली भूपत्वा ज्वालामाली नित्या श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः एम भीम तिम अम चक्रम अम निचित्रा नित्या श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः एम भीम तिम अम मूलम श्री महालक्ष्मी महानित्या श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः एम भीम तिम परम प्रकाश नंदनाथ श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः एम भीम तिम परम शिव नंदनाथ पराशक्त्यांबा श्री कौलेश्वर नंदनाथ श्री शुभ्रा देवांबा श्री कुलेश्वर नंदनाथ श्री कामेश्वर नंदनाथ श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः अब दिव्य पंक्तियां एम भीम तिम भोगानंदनाथ श्री पीला नंदनाथ श्री समया नंदनाथ श्री सहजा नंदनाथ श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः सिद्धौ एम श्री गबरा नंदनाथ श्री विश्वानंदनाथ श्री विभ्रानंदनाथ श्री मदना नंदनाथ श्री भोगना नंदनाथ श्री पार्थां पूज्यामि नमः एम भीम श्री लीला नंदनाथ श्री स्वात्मा नंदनाथ श्री प्रियानंदा नंदनाथ श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम एम भीम श्री आशा का प्रेम आशा छमल वरियु आशा का प्रेम सहा छमल वरियु हंसा सोहम हसो हिस्सो सब निटेवनाथ श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम एम भीम श्री परम गुरु श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम एम भीम श्री परमेश्वर गुरु श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम एम भीम श्री गुरु मंडल सहित श्री महालक्ष्मी श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः प्रथम आवरण एम भीम श्री कमले श्री एम भीम श्री कमले भीम सिंह श्री हृदय हृदय नमः श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः एम भीम श्री कमला ने भीम सिंह सरसे स्वाहा श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः एम भीम श्री प्रति सिंह जी शिखर वशर श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः एम भीम श्री प्रति भीम सिंह पहुंचाओ श्री पार्थां पूज्यामि नमः एम भीम श्री महालक्ष्मी सिंह भीम श्री अवतार पर श्री पार्थां पूज्यामि नमः हे कुशल अभी सिद्धि में देहि शरणागत उसने भक्त्या समर्पयन तुभ्यं प्रथम आवरण अर्चनम प्रथम आवरण से श्री महालक्ष्मी प्रियंता 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 द्वितीय ओम श्री धराय नमः श्री धर श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ऋषिकेश श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम वैकुंठाय नमः वैकुंठ श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम विष्णुपाय नमः विष्णु श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम वासुदेवाय नमः वासुदेव श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम शंकराय नमः शंकर श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम ब्रह्माय नमः प्रदुम श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम अनिरुद्धाय नमः अनिरुद्ध श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः अभी सिद्धि में देहि शरणागत उसने भक्त्या समर्पयन तुभ्यं द्वितीय आवरण अर्चनम द्वितीय आवरण से श्री महालक्ष्मी प्रियंता 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 तृतीय ओम भारते नमः भारती श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम पार्वते नमः पार्वती श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम चंद्राय नमः चंद्री श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम सच्चाय नमः सच्ची श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम दमकाय नमः दमका श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम त्रिलाय नमः त्रिला श्री पार्थां पूज्यामि तर्प्यामि नमः ओम ओम कुंभुलवे नमः
मुहु गुरु जी बात का पूजा भी तर्यामी नमः ओम कुंडकाय नमः कुंडकाय जी बात का पूजा भी तर्यामी नमः अभी सिद्धि में देनी शरणा का पत्ते भक्तिया समर्पण तो जब प्रति आवरण वाचना प्रति आवरण से किसी महालक्ष्मी प्रियंता 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 ओम अनुराधाय अनु ओम अनुराधाय श्री महालक्ष्मी पाणाय नमः ओम संबदाय महालक्ष्मी पाणाय नमः और एक कुछ और ओम विद्याय महालक्ष्मी पाणाय नमः ओम बलभाय महालक्ष्मी पाणाय नमः ओम मांबदाय महालक्ष्मी पाणाय नमः ओम हर्षाय महालक्ष्मी पाणाय नमः ओम बलाय महालक्ष्मी पाणाय नमः ओम तेजस्य महालक्ष्मी पाणाय नमः ओम दंडनाथाय नमः ओम ओम पंचमयी नमः ओम दंडनाथाय नमः ओम संकेताय नमः ओम समेश्वरी नमः ओम समय संकेताय नमः ओम वाराही नमः ओम पौत्राणि नमः ओम शिवाय नमः ओम वाटलाय नमः ओम महासेनान्यै नमः ओम आदा चक्रेश्वरी नमः ओम हरिद्रय नमः मंत्रम मंत्री नामानी ओम संगीत योगन्ये नमः ओम श्यामलाय नमः ओम श्यामाय नमः ओम मंत्रणय नमः ओम सचिवेशान्ये नमः ओम प्रधानेश्वरे नमः ओम शुक्रप्रियाय नमः ओम वीणावल्लये नमः ओम वैणिक्ये नमः ओम मंत्रनायिकाय नमः ओम मुद्राण्ये नमः ओम प्रियकारणप्रियाय नमः ओम ओम निप्रियाय नमः ओम कदम्बय नमः ओम कदम्बवासिने नमः ओम सदापदाय नमः महालक्ष्मी नमामि ओम सिंहासनेश्वर ओम सिंहासनेश्वरी नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम महाराजाय नमः ओम सुंदरी चक्रनाथाय नमः ओम साम्राज्याय नमः ओम चक्री नमः ओम चक्रेश्वरी नमः ओम महादेवे नमः ओम कामेश्वरी नमः ओम परमेश्वरी नमः ओम कामरात्रियाय नमः ओम कामकोटिकाय नमः ओम चक्रवर्ती धन्यै नमः ओम महाविधाय नमः ओम शिवाय नमः ओम अनंग वल्लभाय नमः ओम सर्वपाटलाय नमः ओम कुलनाथाय नमः ओम आमन्य नाथाय नमः ओम सर्वामान्य नाथाय निवासिने नमः ओम श्रृंगार नायिकाय नमः हैं भीम सिंह के महालक्ष्मी मां सांगाय सा परिवार है राधोपचार पूजनम समर्पयामि धूपम दीपम आर्तकम नैवेद्यम समर्पयामि हैं भीम सिंह महालक्ष्मी मां सांगाय सा परिवार है नैवेद्यम विष्णु फलम समर्पयामि अमृत पानी समर्पयामि आत्मनियम जन मुक्ति रहस्य प्रसादन चरण समर्पयामि एम भीम सिंह के महालक्ष्मी श्री बातकाम पूजयामि नमः समर्पयामि एम भीम सिंह के प्रथम खंडे आत्मज्ञापन की महालक्ष्मी सत्यतु एम भीम सिंह के द्वितीय खंडे विद्या तत्वापन की महालक्ष्मी सत्यतु एम भीम सिंह के तृतीय खंडे शिव तत्वापन की महालक्ष्मी सत्यतु एम भीम सिंह के मूलम तत्वापन की महालक्ष्मी सत्यतु 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 महालक्ष्मी नमः धनम दही रूपम दही जयम दही यशो दही किशो दही सौभाग्य आरोपम दही में परमंश्री विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम आयु दही आरोग्य दही कृपां दही मां सभा रक्षा ईशा के बलि मां विष्णु गुरु पाठ हूं बताना ओम खम नमो भगवते पक्षी राजाय महाशिवाय आकाश धरवाय मम सर्विंदन नाशय नाशय सब तंत्र माता ध्वंस कराय सर पाप ध्वंस कराय नवग्रह बाधा ध्वंस कराय रक्ष कर सात रक्ष ईशा के बलि मम भी सुख सुनो पाठ लो ओम ओम वरदान नमः भद्रमुनाय नमः सुखदास से बलि ग्रहण ग्रहण स्वाहा याम योगी नमः योगी मंडलाय नमः सप्ता तत्र बलि ग्रहण ग्रहण स्वाहा ओम सब क्षेत्रवाला क्षेत्र मंडलाय नमः सप्ता तत्र बलि ग्रहण ग्रहण स्वाहा ओम गंगवर मधु उत्तेश्वर प्रति सर्वदार से बलि ग्रहण ग्रहण स्वाहा
ओम ह्रीं माता की उद्दिष्ट डाली उद्दिष्ट बलि तथा तथा उद्दिष्ट धरा वे ही सब प्रकार से बलि करें हैं अरे बोला बना बोला बना नहीं बाजू में बाजू बना इसे बना ऐसे ओम व्यापक मंडलाय नमः ओम ह्रीं सर्वं कर्तव्यो सर्वभूते का उपहार स्वाहा सर्वभूतेभ्यो सर्वचार से बलि ग्रहण में हर्षण होता है दो आठ मंडल डालो बारह मुद्रा दिखा दो हाँ दोनों प्रोजेक्ट करो तो ओम श्री विष्णुवे नमः 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 एवरी सिंपलिंग एवरी सिंपलिंग अष्टलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी नमः नमः समस्त परमेश्वरी समस्त परमेश्वरी समस्त अपराधम समस्त अपराधम समस्त अपराधम समस्त अपराधम मास परिवार रक्षक मास परिवार रक्षक मास परिवार रक्षक नमस्ते नमस्ते अप्रलियो ओ आज का पूजन बहुत अच्छा हुआ और बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम लोगों को तुम्हें महालक्ष्मी की प्राप्ति हो धन की प्राप्ति हो यश की प्राप्ति हो कीर्ति की प्राप्ति हो आयु आरोग्य की प्राप्ति हो और सिद्धियों की प्राप्ति हो ऐसी आशीर्वाद है।